ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तं हिना पितावसु तं माता सतक्रतो बभूवीथ अधाते सुम्नमीमहे अधाते सुम्नमीमहे। ॐ असतो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मामृतं गम्यति। ॐ असत से दूर भगवन् सत्य का वरदान दो, दूर कर दतिमिर भगवन् सुब्रज्योति बिहान दो। मृत्यु बंधन से हटा अमृत वही भगवान दो, प्रकृति पासों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो। प्रकृति पासों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो। और समाज कुबेर नगर के सभी अधिकारी वर्ग, हमारे श्री सत्यनारायण जी, त्रिलोक जी और रेगुलर हमारे श्रोता वरिष्ठ, हमारे सभी सदस्यगण, पूजा की एकमात्र शक्ति ईश्वर की कृपा से, आप सबके सहयोग से ये चिंतन करने का अवसर हम लोगों को प्राप्त होता है। और इस चिंतन से ही हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से भी हम अपने व्यवहार में भी देखते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ता है तो उसका मन भी पढ़ाने को करता है कि मैंने जो आज पढ़ा तो कुछ ऐसा व्यक्ति मिले कोई अपने मित्र या परिवार में जिनको मैं बता सकूँ, उसकी चर्चा कर सकूँ। तो इसीलिए स्वामी ने कहा पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना। जो सुनेगा तो उसका मन करेगा कि भाई कहीं मैं सुनाऊं जो इतनी अच्छी बात मुझे लगी। तो इसी से क्या होता है कि इसी से फिर कुछ श्रोता बंधु जुड़ते रहते हैं और कोई प्रवक्ता बन जाते हैं। तो ये परस्पर आदान प्रदान की प्रक्रिया से ही हमारे ज्ञान में वृद्धि होती चली जाती है अगर हम उसमें अपने आप को जोड़े रखें। इसी कड़ी में आप सब ने बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ, ये व्यवस्था की है कि अपने यहाँ प्रातःकाल की बेला में रोजाना, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो आप कर रहे हैं। और आज के समय में मैं देखता हूँ बहुत कम ऐसी संस्थाएं आर समाज हैं जहाँ इस प्रकार का रेगुलर प्रवचन सुनने को मिलता हो। बहुत कम लोग हैं, साधन तो उनके पास बहुत बहुत हैं, धन भी बहुत इकट्ठा है, लेकिन उनकी रुचि नहीं है इसमें, इसलिए वो इससे अपने आप को दूर रखते हैं। पर आपने ये परंपरा बनाई हुई है, रोजाना आपके अंदर एक भूख पैदा है जो आपको खींच के यहाँ ले आती है। तो कल हम इस प्रातःकाल की ज्ञान की चर्चा में तत्व ज्ञान की बात कर रहे थे कि हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने इस और इस शब्द का बहुत प्रयोग किया है कि तत्व ज्ञानी बनो, तत्व ज्ञानी बनो। तो तत्व ज्ञानी और तत्व ज्ञान का क्या अभिप्राय है? अब ये विषय ऐसे हैं कि मैं जानता हूँ कि हमारे प्रचारक वर्ग भी जो है इनकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये कठिन है थोड़े से, जल्दी से जिसको स्वाध्याय का या स्तर नहीं है उसकी समझ में नहीं आते तो उसका मन नहीं लगता। तो इसीलिए उपदेशक भी, प्रचारक, और उनके ऊपर एक दबाव होता है कि भाई अगर हम जनता बैठी है उसके हिसाब से अगर नहीं सरल करके और उस चीज़ को रखेंगे तो वो फिर हमें नहीं बुलाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो पर इससे मैं बताता हूँ, इससे क्या हो रहा है कि जो ज्ञान का स्तर उठना चाहिए हमारा वो नहीं उठता। हम केवल वो भजन तक सीमित रह जाते हैं, बस थोड़ी सी हल्की चर्चा कर ली, कुछ चुटकुले कहानी, है ना, प्रेरणा, उनका भी महत्व है लेकिन उसी पर पड़े रहें तो ये तो बात बनती नहीं ना। इसके आगे तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। और देखो सबसे बड़ी चीज़, आप अच्छी तरह से नोट करते हैं, अनुभव भी करते हैं कि हमारे जीवन में
जो हमारा सच्चा साथी है ना, सबसे सच्चा साथी हमारा मित्र, वो क्या है? पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ। और सबसे बड़ा शत्रु कौन है जो हमें हानि पहुंचाता है? सबसे बड़ा शत्रु हमारा है आलस। ये समझो, जब विद्यालयों में बच्चों में जाते हैं तो उन्हें यही टिप्स नोट कराते हैं। पुरुषार्थ से जो भागेगा किसी भी क्षेत्र में अंदर, तो समझ लो वो प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुषार्थ तो एक आभूषण है। और भगवान ने इसीलिए हमारे शरीर को, तो आप जानते हो, जहाँ इसको भोग योनि कहा जाता है, वहाँ इसको कर्मयोगी भी योनि कहा जाता है। मतलब कर्म करने की जो प्रधानता है वो इस शरीर में ही है। तो हम पुरुषार्थ का महत्व समझते हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं भाई हमारा जो सच्चा मित्र है, साथी है, वो पुरुषार्थ है। तो अगर कठिन बातें समझकर समझ में नहीं आ रही और छोड़ते चले जाएंगे तो बात बनेगी नहीं, फिर सच्चाई तो उसी स्तर पर रह जाएंगे पहले पायदान में। इसलिए थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। और विद्वानों ने, स्वामी दयानंद ने बहुत परिश्रम करके सरल किया है, कोशिश की है कि बहुत सरल से सरल एक अनपढ़ व्यक्ति को भी जो हिंदी का थोड़ा सा भी ज्ञान रखता है उसकी समझ में आ जाए। पर ये जरूरी तो है। तत्व ज्ञान का ही मतलब यह है कि इसी से हम तत्व ज्ञानी बन सकते हैं, और इस प्रकार के इन तत्वों को समझे हम जीवन में इनका उपयोग भी नहीं ला सकते, इनसे लाभ भी नहीं उठा सकते। तो इस कड़ी में जो पहली बात आ रही है वो ये है कि तत्व कितने प्रकार के हैं, तत्वों की जो संख्या है ये कितने हैं जिनको कहा जा रहा है कि इनका ज्ञान प्राप्त करो। तो आपको बता दें, तो आप किताबें पढ़ेंगे या लोगों ने संप्रदाय मत मजहब खड़े कर दिए, इसमें भी भेद कर दिया। कोई एक को मानता है बस, वो कहते हैं भाई एक ही तत्व है, किसकी दूसरे तीसरे को मानते ही नहीं। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें हमारे भौतिकवादी आते हैं, चार्वाक आता है। ये वो वर्ग है जो एक को मानते हैं। किसको मानते हैं? प्रकृति को मानते हैं बस, प्रकृति तत्व है, बोले इसी का जान करो, इसी को भोगो, इसी करो और इसी से कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे एक तत्व मानने वाले हैं जो जड़ को ही, प्रकृति को ही मानते हैं। लेकिन एक तत्व मानने वाले एक और भी हैं, एक और है, उनको कहते हैं शंकराचार्य। वो क्या मानते हैं? वो कहते हैं बस जीव ईश्वरी सब कुछ है, ईश्वरी सब कुछ है। वो जीव को अलग से, जीव की सत्ता नहीं स्वीकार करते, न प्रकृति की सत्ता अलग स्वीकार करते। वो कहते हैं ईश्वरी सब कुछ है, और जीवात्मा को भी वो ईश्वर का अंश मानते हैं। ऐसे लोगों से भी पाला पड़ा होगा आपको, बहुत प्रचार हो, जीवात्मा को परमात्मा का अंश मानते हैं, अलग से उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानते। इसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो शंकराचार्य का है, जिन्होंने एक को माना और वो ईश्वर को मानते हैं बस, प्रकृति को नहीं माना, आत्मा को नहीं माना। तो ऐसी चेतन सत्ता को एक मानने वाले शंकराचार्य हैं। और जड़ प्रकृति को एक मानने वाले बोले इसी से सब बन गया सारा, कोई चेतन आत्मा परमात्मा की जरूरत नहीं। उसको मानने वालों को भौतिकवादी कहा जाता है। हमारे दर्शन में भी उसका एक नाम है, उसको कहते हैं चार्वाक का दर्शन। उन्होंने भी एक को ही माना है ना, प्रकृति को ही सब। तो एक को मानने वाले का जो जीवन है या उनका जो दर्शन है, उनका जो ज्ञान है, वो क्या है? उन्होंने ये रास्ता दिखाया कि बस संसार है, ये मत सोचो कैसे आए, किस प्रकार से कोए आ गए हैं, बाई चांस जन्म मिल गया और बोले इसको खाओ पियो और मौज करो, पर आगे पीछे कुछ नहीं है। ये जो विचार आ गया तो इसको कहते हैं भौतिकवादी विचार, जिन्होंने एक तत्व को माना, प्रकृति को ही उपासक बन गए हो, इसको कहते हैं प्रकृति के उपासक। पर इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा? अब ये है विचार करने, इसका परिणाम होगा कि अगर भौतिकवादी ही व्यक्ति बना रहेगा और भौतिकवाद के ही आधार पर अपना जीवन जलेगा, तो उसका परिणाम तो फिर चोरी, डाका, छीना झपटी, मारकाट यही होना है। क्योंकि जब कोई और ऊपर हमारी कोई व्यवस्था है ही नहीं, कोई न्यायकारी है ही नहीं, फिर अपनी इच्छा अनुसार, तो क्या होगा उसका परिणाम? उसका परिणाम तो फिर यही सिद्धांत निकल कर आ रहा है ना कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये भौतिकवादी सिद्धांत है, अर्थात बड़ा बनो, बड़े बनो, बड़े का मतलब ये है कि छोटों का शोषण करो, जितना आप छोटों को दबाओगे उतने आप बड़े कहलाओगे। पर इस सिद्धांत को अगर व्यवहार में घटा के देखते हैं तो इससे तो लाभ नहीं होता, इससे तो कमजोर आदमी का, बेचारे गरीब आदमी का, साधारण असाव में जीना, उसके तो गुजारा ही नहीं हो सकता इस सिद्धांत पे। तो भौतिकवादियों का इस ओर बढ़ा दिया तमाम। अब ये जो ज्ञानी लोग नहीं है, जो भौतिक प्रिय हैं, बस शरीर के खाने पीने मौज उड़ाने, उन्हें ये पक्ष अच्छा लगता है
कि ये तो बढ़िया बात है, ये रास्ता, ये शरीर ही सब कुछ। जैसे मैंने बताया ना कठोर उपनिषद में कि विरोचन को तो अपना शरीर उसने देख लिया, बोले शरीर ही सब कुछ है, बस यही है आत्मा। तो इसी प्रकार का ये एक, ये कौन है, ये सोच रखने वाले लोग एक तत्व को मानते हैं, एक प्रकृति से ही सब कुछ बना है या ईश्वर से सब कुछ बना है, तो शंकराचार्य मानते हैं उसको। तो अब लेकिन हम जब विश्लेषण करते हैं तो हमारी वैदिक फिलॉसफी क्या कहती है, उसकी मैंने चर्चा थोड़ा सा हल्का परिचय कल भी दिया था। सांख्य दर्शनकार ने पहले तो सृष्टि की रचना का वर्णन किया है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए कि सृष्टि कैसे बनी है। ये प्रकृति में जो रूपांतरण हुआ, प्रकृति जो प्रकृति से विकृति के रूप में आ गई आज, ये भी हम ज्ञान के अभाव में बोलते हैं। इस समय जो ये दिखाई दे रहा है ये विकृति है। प्रकृति उसको कहा जाता है जो साम अवस्था होती है, जिसमें एक रूपता गुणात्मक विकास जिसका नहीं हुआ होता उसको प्रकृति कहते हैं, और जिसको कहा गया हमारे उपादान कारण। जैसे उदाहरण दिया कि कुम्हार को लिए जो मट्टी की भूमिका है, मट्टी, उस प्रकार से मट्टी जो है मट्टी के समान ये प्रकृति है। तो इस भाव को लेकर जब समझ गए तो अब इसका निर्माण कैसे होता है, ये जो विकृति प्रकृति से विकृति कैसे होती है, तमाम वस्तुएं भिन्न भिन्न बन गई। तो इसके क्रम को हमने सांख्य दर्शन से कल आपको इशारा किया था थोड़ा सा, और इसका एक नियम है, मोटे रूप में हम समझना चाहें तो क्या है, प्रकृति का एक नियम दिखाई दे रहा है कि सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ बनी है। ये सूक्ष्मता तो समझते हैं ना, सूक्ष्म बहुत बारीक, सूक्ष्म कहते हैं बहुत ऐसा जो आँख से भी ओझल, उससे इसका निर्माण हुआ है। और किस क्रम में हुआ है, सूक्ष्म स्थूलता की तरफ, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ गई है चीजें। प्रकृति में जितनी भी चीजें जो सूक्ष्म थी, अव्यवस्थ अवस्था में थी प्रकृति, उसमें परमात्मा ने प्रेरणा देकर उसमें गति दी, और उस गति के कारण से तमाम पदार्थ बन गए। इसको कहते हैं गुणात्मक विकास। पहले हुआ मात्रात्मक विकास, फिर गुणात्मक विकास। गुणात्मक अलग अलग गुण वाली बन गई चीजें, किसी में सात्विकता अधिक हो गई, किसी में तामसिकता अधिक हो गई, किसी में राजसिकता अधिक हो गई। अब भिन्न भिन्न स्तर पर जो पदार्थ हैं, तो जब ये ज्ञान हमें होगा तो हम उसका ठीक से प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हमें सात्विकता लानी है शरीर के ही गुणों से, तो प्रकृति के भोग से भोजन के द्वारा हमारा शरीर चल रहा है और इन्हीं से प्रभावित होते हैं, तभी तो कहा जा रहा मन तक प्रभावित हो रहा है। कहते हैं ना जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो जो अन्न का है, जो भोजन है, तो अन्न का अभिप्राय क्या है, अर्थात जो प्रकृति जन ये जो शरीर बना हुआ है, ये तीन गुण इसके अंदर हुए हैं, ये प्रकृति के हैं, सत्व रज और तम। तो इसी आधार पर आप देखो जल में क्या है, जल में सात्विकता अधिक है। जल जो पदार्थ परमात्मा ने बनाया, इसका आप करेंगे चिंतन, थोड़ा उसको खोजेंगे तो इसमें क्या है, सात्विकता अधिक है, और इसका प्रमाण भी मिलता है। हमने देखा कई जो नास्तिक प्रकृति लोग होते हैं, परमात्मा का नाम भी नहीं लेते कुछ भी, लेकिन जब वो स्नान करते हैं, शरीर जल के संपर्क में आता है, तो उनके भी मुंह से कुछ ना कुछ भगवान का नाम या कोई ना कुछ निकलता है। तो ये क्या बता रही है कि जल सात्विक प्रधान वस्तु है। इसीलिए देखो आचमन भी जो हम करते हैं वो जल से तो करने की बात रखी है, दूध से तो नहीं हो रहा आचमन, तो और भी तो जल, इसलिए और शब्द भी बोला जा रहा है, ओम अमृतो पश्चणमसी स्वाहा। हे परमात्मा आप तो अमृत, जल जैसे अमृत है, जल भी भौतिक पदार्थों में अमृत है, सात्विक प्रधान है, पर उसका प्रतीक लेते हुए परमात्मा का ध्यान किया जा रहा है। हे परमात्मा आप तो अमृतम, आपके समान तो संसार में कोई पदार्थ है ही नहीं, तो मैं ऐसे उस परमात्मा का ध्यान करते हुए आचमन कर रहा हूँ। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, अलंकारिक भाषा का इन सब चीजों में वर्णन है। तो आप समझ गए, तो कहने का अभिप्राय ये कि प्रकृति के इन गुणों को हम जान गए तो इसका क्या लाभ होगा। अब इसी में बनने के इस क्रम को हमने समझ लिया तो क्या लाभ होगा, फिर हम ये समझ जाएंगे कि हम जो अज्ञानता बस ये समझ रहे हैं कि ये मन ही सब गड़बड़ करा रहा है, मन ही को जिम्मेदार ठहराते हैं। और जब ये ज्ञान हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हम समझ जाएंगे मन तो एक साधन है, प्रकृति का बना हुआ है, तो उससे हम दूरी बना सकते हैं इस ज्ञान के आधार पर कि तू मुझे फंसा रहा है, भड़का रहा है ना, तो उससे अपने को दूर करने के लिए ये ज्ञान होना आवश्यक है कि सृष्टि का क्रम इस प्रकार के बना है। तो मैंने आपको सुनाया भी था, प्रकृति महान है तो अहंकार, अहंकारात पांच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि, ये सब मिलाकर 24 हो गए, ये सब मिलाकर 24 हो गए। तो वहां लिखा कि ये किसके लिए बनाए, 25वां जो जीवात्मा है उसके लिए बनाए।
और आपके अंदर ये भी कई बार चर्चा आती होगी कि स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, ये क्या है? तो स्थूल शरीर तो ये है जो पांच भूतों से बना हुआ है हमारे, पर सूक्ष्म शरीर क्या होता है? ये 24 जो तत्व जिनको मैंने आपको गिनाया है, ये 24 जो है इनका जो सूक्ष्म भाव है ना, वो सब मिलाकर उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसमें सारा सूक्ष्म आ गया, सबका सूक्ष्म भाव, मह तत्व से लेकर अहंकार तत्व से लेकर तन्मात्राएं आ गई, फिर स्थूल भूतान आ गए, उभय इंद्रियां आ गई, ये सब 24 का टोटल है। तो इन सबका सूक्ष्म, इसको कहा जाता है कि जब जीवात्मा शरीर को छोड़कर जाती है तो और सब चीजें तो यहाँ छूट जाती हैं, स्थूल शरीर भी नष्ट हो जाता है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ जाता है। और इसी सूक्ष्म शरीर में जो हमने सूक्ष्म रूप से संस्कार जो काम किए हैं, कर्म है, भोग आए, गंदे अच्छे विचार में, उन सबका संस्कार रूप में उसमें अंकित रहता है और उसी आधार पर हमारा अगला जन्म मिलता है। इसलिए सूक्ष्म शरीर का महत्व आ गया, समझ गए? तो फिलहाल आप यहाँ रुकें कि तत्व ज्ञान की दृष्टि से ही हम समझ गए कि जो प्रकृति है जिसको हम कह रहे हैं, इसी से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, सारी इंद्रियों का निर्माण हुआ है ना। तो ये प्रकृति, ये जड़ है, प्रकृति के अंदर जड़ है। तो अब ये इसको कई लोगों ने देखो इस भाव को नहीं समझकर क्या मानते हैं, उन्होंने बस यही मान लिया शरीर को ही सब कुछ मानकर और आत्मा को इग्नोर करते हैं, पर वो फंस जाते हैं। कई ऐसी समस्याएं, कई ऐसे प्रश्न हैं जिनकी मैं चर्चा आपके सामने कर चुका हूं कि अगर चेतन आत्मा को ना माना जाए तो वो हम उसका जवाब ही नहीं दे पाएंगे कि कैसे काम हो रहा है, ये शरीर कैसे काम कर रही है। तो एक उदाहरण से भी फिर जरा सा आपको जोड़ देता हूं, जैसे ये पंखा चल रहा है तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि पंखा जो चल रहा है, ये घूमना जो है गति, ये पंखे का गुण नहीं है। अगर पंखे का गुण होता तो बिजली पावर जाने के बाद भी ये घूमता, ये प्रकाश जल रहा है, बल्ब जलता है तो ये प्रकाश देता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये प्रकाश देना इस बल्ब का गुण होता तो पावर के बाद भी देता ये, पर पावर चली जाती है तो नहीं देता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो गति दिखाई दे रही है पंखे में, ये पंखे की नहीं है, ये उस पावर की है। समझ गए आप? इतने सरल से उदाहरण से, बल्ब में जो प्रकाश हो रहा है ये बल्ब का गुण नहीं है, ये उस पावर का गुण है। इसी आधार पर आप कल्पना कर लो, हम अभी बैठे हैं घर में, कहीं आश्रम में बैठे होते हैं, कितनी घटनाएं घटती हैं हमारे सामने। अभी बैठे हैं सामने, बात कर रहे हैं बाबा जी से, दादाजी से, कोई बड़े, और पता नहीं एकदम से झटका सा लगा कुछ ही और निडाल होकर गिर गए। कई को तो हमने मंच पर देखा गिरते, हमारे डॉक्टर राम प्रसाद जी वेद अलंकार थे, गुरुकुल कांगड़ी के वाइस चांसलर, वो चंडीगढ़ में कार्यक्रम चल रहा था, हम सब ऐसे ही बैठे थे, वो प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन देते देते ही एकदम झटका सा लगा, कुछ उनको हुआ फंदा सा सांस का और वहीं निडाल होकर गिर गए। अब हम सब लोगों ने जल्दी से उठ के टायर किया जो भी कुछ कर सकते थे, लेकिन चले गए। अब आप विचार करो कि हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर, हाथ हिल रहे थे, जिब्बा भी बोल रही थी, सारा था, तो ये अब क्या हो गया कि शरीर में आंखें भी लग रही हैं, हाथ भी लग रहे हैं, है सारी इंद्रियां हैं, तो पर इनमें अब गति क्यों नहीं है? समझ गए आप? यही चीज बता रही है, जैसे पंखे के उदाहरण से। इसका मतलब कि शरीर में कोई दूसरी पावर थी, कोई दूसरी सत्ता है, ये उसका गुण है कि जो मैं हाथ उठा रहा हूं, ये जिब्बा से मैं जो बोल रहा हूं, ये उसका गुण है, ये उसकी ताकत है। और अगर वो निकल गई तो वही तो चली गई, तभी तो शरीर रखा है वैसे का वैसा, तो फिर क्यों नहीं हरकत हो रही इसमें, शरीर में क्यों नहीं गति हो रही? इस आधार पर उस सत्ता का अनुभव करते हैं, ज्ञान हो रहा है। और उसी, इसका मतलब है कि हरकत करना, गति देना, जो बोलना, ये शरीर का गुण नहीं है, शरीर तो एक साधन है, ये उसका गुण है, उस पावर का, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं। तो ये देखो दूसरा तत्व का ज्ञान होने लगा यहाँ से, प्रकृति से शरीर तो बना लेकिन एक दूसरी सत्ता जो हमारे जीवन में ही हमें एहसास करा रही है कि वो अलग है और मैं अलग हूँ। मैंने पहले दिन देखो इस बार आपके सत्संग में यहीं से बात शुरू की थी, अस्मिता का ध्यान रखना, अस्मिता, ये सब अस्मिता को ही वर्गीकरण कर रही है चीजें, और इस अविद्या से दूर कर देंगे, हो जाएंगे अगर हम लगातार चिंतन करते रहे। अस्मिता का मतलब बताया भी ना कि हम दो हैं, पर अज्ञानता के कारण उसको एक मानते हैं, और हमारे अंदर जो सत्ता है हम उसका ध्यान ही रखते हैं, उसका क्या भोजन है, वो क्यों जुड़ी है शरीर के साथ, क्या शरीर का उद्देश्य, ये सब विषय हमने आउट ऑफ कोर्स कर दिए। बस शरीर तक हम खाना पीना, बच्चे, मकान, दुकान, ठंड लग जाएगी, कपड़े पहनो, मकान बरसात में, आप देखो सारा दायरा देखें तो हम शरीर की ही सेवा में लगे रहे हैं, शरीर में ही सबके लिए ही, हमने बच्चों को पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, बुढ़ापा में शरीर कमजोर हो जाएगा, ये सहारा देंगे हमारे,
ठीक है ना। तो ये क्या है, तब जब किसी टर्निंग पॉइंट पर समझ में आता है कि अरे ये तो फिर कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा, उसके लिए मैंने क्या किया जो मुख्य चीज है शरीर में, तो यहीं से देखो दूसरे तत्व का एहसास होने लगता है। हम अपने कोई भाषा में भी देखो उच्चारण करते हैं, मैं बोलता हूँ तो मेरे कई बार क्या होता, मैं मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब है मैं अलग हूँ और मकान अलग है, मैं अलग हूँ और दुकान अलग है, मेरा शरीर बोल रहा हूँ तो अर्थात मैं अलग हूँ शरीर अलग है, तो ये एहसास कराता है। इसी आधार पर तत्वज्ञानी बनता है व्यक्ति, जब धीरे धीरे अभ्यास स्वाध्याय से सत्संग में आने में तो धीरे से शांत होकर भी फिर उस सत्ता की ओर हम कंसंट्रेशन होने लगता है हमारा और शरीर से हमारी दूरी बननी सकती है। तो ये दूसरा तत्व है जिसकी चर्चा हमने आपके सामने की। और तीसरा तत्व क्या है, वो है ईश्वर, क्योंकि हमने आपको बताया प्रसंग में ना, कई दृष्टि से समझाने की मैंने कोशिश की, किसी भी रचना को देखकर उसमें तीन प्रकार का हमें ज्ञान होता है, एक नैमित्तिक होता है कारण उसका होता है, एक नैमित्तिक कारण, एक उपादान कारण, एक साधारण कारण। समझाने के लिए जैसे कुम्हार जो है बर्तन बनाता है, कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो काय से बनाता है, मिट्टी से, तो मिट्टी क्या है उपादान कारण, और बनाने वाला जो कुम्हार है वो क्या है निमित्त कारण। कुम्हार अगर ना बनाए चाक को गति है तो चल ही नहीं सकता, बनेगा ही नहीं कुछ भी, तो आप समझ गए। तो निमित्तिक कारण हो गया और एक साधारण कारण, साधारण कारण में वो साधन आते हैं, जैसे चाक घूम रहा होता है उसमें मट्टी का ठेकला घुमाता है वो, फिर उससे वो बनाता है, वो देखा हो आपने। इसका मतलब इसी प्रकार से हमें समझना है कि हमारी सारी सृष्टि, हमारा शरीर भी उसी में है, इसका निमित्तिक कारण कौन है ईश्वर, उपादान कारण कौन है प्रकृति जिससे बनाता है मट्टी, इसी सारी चीजें बनाई है भगवान ने प्रकृति से, समझ गए। और साधारण कारण वो सारी परमात्मा की बनाने की वो विधि रचना प्रकृति में, जिसको हम सविता के रूप में समझते हैं, प्रेरणा देना परमात्मा का गुण है, वो प्रकृति जड़ है, इसमें अपने आप गति नहीं आ सकती, तो इसको गति देने वाला कोई, तो इससे क्या हो रहा है तीसरे तत्व का आवास होता है। तीसरा तत्व कौन है ईश्वर, अर्थात कोई भी रचना के पीछे तीन चीजें जुड़ी होती हैं और इनके आधार पर, इनका जब हमें ज्ञान होता है तो हम यथार्थ ज्ञानी बनते हैं, समझ जाते हैं कि इसका कोई बनाने वाला है, उससे भी हमारा संबंध जुड़ जाता है, उसका भी धन्यवाद करते हैं बार बार, उसका एहसास होता है हमें, और जिस पदार्थ से बना है उसका भी जानते हैं ये जड़ है, जड़ से बना, समझना। तो अब इस प्रकार का ये है, ये तीन तत्वों की जानकारी करना, ज्ञान प्राप्त करना, यही सारे हमारे अध्यात्म का विषय है, तत्वज्ञानी बनो, इसीलिए कहा जाता है तत्वज्ञानी बन का। तीनों को आपको ज्ञान है कि नहीं इन चीजों का, अब कितना समाज में आदमी को लेकर भटका हो, और क्या होता है सारा जीवन, इसीलिए हमारे शास्त्रों ने हमें चेतावनी दी है कि संशयात्मक विनश्यति, सारा जीवन संशय में पड़े रहे। कई बार हम सारा जीवन किसी विषय को लेकर संशय में पड़े रहते हैं कि पता नहीं ये ठीक है, पता नहीं ये ठीक है, वहाँ गए थे तो ये बात सुनने को मिली, यहाँ गए आए तो ये है, ये क्या है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। इसके लिए क्या है, निश्चयात्मक होना जरूरी है, और नहीं तो सारा जीवन पता नहीं ये सही है कि ये है, जाता है क्या जाता, मतलब तमाम विषयों को, तो निश्चयात्मक, संशयात्मक कहते हैं विनिश्चति, संशय में अगर जीवन भर पड़े रहे तो विनाश होगा उसमें, ये सावधान किया। तो संशय को दूर करने का क्या तरीका रहा है, यथार्थ ज्ञान, जो पदार्थ जैसा है उसके बारे में ठीक से जानकारी करके और अपनी धारणा बना लेना कि हाँ मैं अब समझ गया कि ये प्रकृति है, और प्रकृति के अंदर अपने गुण है, उन गुणों को भी मैंने जान लिया, आत्मा को भी मैंने समझ लिया कि पावर की तरह है, शक्ति की तरह है, और ये भी मैंने जान लिया कि ये चेतन है, पावर तो देखो ये भी है लेकिन ये जड़ है, और आत्मा चेतन है और परमात्मा भी चेतन है, वो भी पावर है। तो अब इस प्रकार का जब हमें ज्ञान हो गया तो इसको कहते हैं तत्वज्ञानी, हम तत्वज्ञानी हो गए। तो अब इनके, इसके ज्ञान के आधार पर ही सारी गुत्थियाँ जो अविद्या है वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएगी, आप चिंतन करेंगे आप समझ जाएंगे ये चीज़ें बनी है। पर कुछ लोगों ने आज भी समाज को भटका दिया इन्हीं तत्वों को लेकर, है ना, किसी ने एक विचार देकर बस, अब जैसे कुछ भौतिकवादी हैं वो चेतन सत्ता को मानते ही नहीं, अब आज की युवा पीढ़ी जो विज्ञान वो उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते कि वो ईश्वर है आत्मा, वो कह बस शरीर है इसी की उपासना करो, इसी में रहो, दवाइयाँ से ये सब करते रहो, इतने से कल्याण हो जाएगा। पर समझ में आता है धीरे धीरे, बड़े वैज्ञानिकों को भी हमने देखा, लाप्लास जैसे, आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक जो बहुत अपने समय के वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी अंतिम समय में ये प्रसंग लिखा,
जीवन भर उन्होंने भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया, इस व्यवस्था को नहीं स्वीकार किया, लेकिन अंत में उन्हें भी ये कहना पड़ा कि नहीं कोई पावर है, कोई शक्ति है जो मैं नहीं चाहता फिर भी विवश कर रही है, मुझे खींच रही है। तो वहां भी उनको एहसास हो गया कि मैं, वो तो सोचते थे मेरा ज्ञान मेरा विज्ञान बस मैं ही सर्वोपरि हूँ, पर उन्हें अंतिम स्टेज पर जाकर एहसास हुआ नहीं मुझसे भी कोई बड़ी पावर है जो खींच रही है मुझे विवश कर रही है, अब मुझे एक सेकंड भी वहां मुझे देने के लिए नहीं, क्या कहते ना समय दे दो साहब थोड़ा सा समय मिल जाए, समय का प्रश्न ही नहीं होता। तो जब इस एहसास को इस ज्ञान को हम जीवन में बटोर लेंगे चिंतन होगा तो क्या हो रहा है हम तत्ज्ञानी बन रहे हैं, हमें यथार्थ ज्ञान हो गया। तो प्रकृति के जीवात्मा के परमात्मा के स्वरूप को समझना ये बहुत आवश्यक है और इसी कड़ी में ये सारी चीजें हमें जोड़ती हैं, सारा चिंतन जोड़ता है। और धीरे धीरे जब हमें इसका एहसास होने लगता है तब क्या होता है तब अपने स्वरूप में आने लगते हैं, अपने स्वरूप में आ जाती है जीवात्मा, फिर वो प्रकृति जन जो बंधन है उन्हें वो काट देती है, उनसे दूरी बना लेती है और फिर उस आनंद की अनुभूति लेती है और हम पात्र बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने आज थोड़ी सी चर्चा आपके सी विषय थोड़े गंभीर जरूर है लेकिन इन शब्दों को बार बार रिपीट करने से समझ में आ जाएगी ये चीजें कि उपादान कारण का क्या मतलब है, नैमित्तिक कारण का क्या मतलब है, साधारण कारण का क्या मतलब है और प्रकृति में जो गुण है। तो हम इनसे सावधान होंगे ना, सावधान होंगे तभी तो ये सब चीजें आएंगी इस चीज से। हमारा एक वेद मंत्र बोलते हैं आप लोग देखो उसमें भी यही सारा किया जा रहा है, भद्रम कर्णेवी शुनियाम देवा भद्रम पश्चे माक्ष स्त्री अंग तुष्टवाम सस्तनु से मही देव हितम यदायु। इसमें प्रार्थना की जा रही है भक्त कर रहे प्रभु मेरा जो जीवन है वो देवताओं के समान बना दो, देव हितम यदायु। अब बाकी बहुत सरल सरल के देव हितम यदायु, देवताओं के समान हितकारी। देवताओं के जीवन में क्या है, परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं, दूसरे की सेवा करने की भावना होती है, ये गुण है देवता में। तो ऐसे ही प्रभु मेरा जीवन बना दो। तो यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि ये जीवन बनेगा कैसे, तो तीन साधन बताए गए हैं। पहला साधन जो आपके जीवन में भी जिसका महत्व आप काम छोड़कर यहाँ आते हो वही देखो वेद कह रहा है कि पहला जो साधन है दिव्यता के लिए देवताओं के समान जीवन बनाने के लिए वो क्या है, भद्रम कर्णे भी श्रीयाम देवा। पहला प्रयास ये करो कि तुम ऐसे समाज से जुड़ो, ऐसी जगह अपना समय लगाओ अधिक से अधिक कि जहां हमारे कानों में अच्छा ही सुनने को मिले। भद्रम कर्णे भी शुणियाम देवा, बहुत सरल संस्कृत है, भद्र कहते हैं कल्याणकारी को, शुणियाम ने सुनने को। अब यहां से देखो बात शुरू हुई है, पहली पढ़ाई पहला पाठशाला हमारी है कि जहां अच्छे विचार अच्छा चिंतन है, अच्छी वाणी के द्वारा प्रभावित करने जिसको अमोघ वाणी बोलते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा साधन का काम करती है, एकाग्रता आती है, हमारा चित्त वहाँ एकाग्र होने से हो जाता है उस अमोघ वाणी के साथ जो प्रवचन या चर्चा चल रही होती है और कंसंट्रेशन भी आने लगता है। तो ये माध्यम है, तो इसीलिए वेद ने कहा भद्रम करने भी श्रीयाम देवा। और इसी परंपरा का आप लोग निर्वाह करते हो कि बुजुर्गों ने परंपरा डाल दी भाई सत्संग करो रोजाना, यहीं से शुरुआत होगी, बीजारोपण यहीं से है। फिर कहा भद्रम पश्चिम अर्थात पहले कानों के सुनने की बात कही, फिर कही कि भाई ऐसे घर में चित्र लगाओ, ऐसे चित्र आदि टांगो दुकान में अपने घर पर जिसको देखने से ही अच्छे संस्कार आए आंखों से। उसके बाद आंखों का नंबर बाद में दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर स्त्री अंग गई अर्थात जो अपने अंग प्रत्यंग है परमात्मा ने दिए इनमें स्थिरता लाओ, गतिशीलता नहीं कि यहाँ बैठे सत्संग में पर ध्यान जो है दुकान का आ रहा है विचार वहां भाग रहा है ना या कहीं और जा रहा है, ये स्थिरता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं एक समय में एक ही काम, यही तो मन की विशेषता है। तो ये धीरे धीरे अभ्यास से उस संबंध को उस लिंक को जो खींच रही है आपको बाहर की चीज आप काट दोगे उसको, लेकिन उसके लिए अभ्यास तो करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगता है। तब का इस तरह अंग बोले ये तीन काम आप अपनाओ, अच्छे विचार कानों से सुनो पहला काम। अब यहाँ भी प्रश्न खड़ा होता है कि वेद ने ये पहले सुनने की बात क्यों कही, पहले नंबर पर देखने की बात क्यों नहीं कही, तो इसका भी उत्तर आ गया देखो, क्योंकि वेद की हर वार्ता जो है वैज्ञानिक है। आप बुजुर्ग लोग जानते हैं आपके जीवन में ऐसा आया भी होगा कि अनुभव हुआ होगा कि कोई बच्चा अगर जन्म से बैरा होता है, आप देखो कोई बालक को आप देख लो जो बैरा होगा जन्म से तो आप देखो वो गूंगा भी जरूर होगा, ये निश्चय है। अर्थात जो बैरा है वो गूंगा भी जरूर होगा, पता क्या लगा कि शरीर की जो हमारी रचना है इसमें जो गति है हरकत है वो कहाँ से शुरुआत हो रही है, कानों से होती है, सुनने से, और वो फिर शरीर की इंद्रियां हमारे उसी हिसाब से काम करती हैं,
सारा सुना हमने, कोई विचार आया कान में और उसने विचार ने सक्रियता पैदा कर दी अंदर बॉडी के अंदर, इसलिए उसको नियंत्रित करने के लिए बात आ रही है। इसलिए वेद ने पहले सुनने को कहा तब कहा देखने की बात, समझ गए आप। तो मैंने थोड़ी चर्चा की इसी प्रकार के आध्यात्मिक ऋषियों के परिश्रम, इसको प्रसाद समझ के ग्रहण किया करो जीवन के अंदर, तो धीरे धीरे यही प्रसाद आपको लाभ पहुंचाएगा। कोशिश करो अपने बच्चों को भी थोड़ा सा जोड़ने की और भी नए लोगों की प्रेरणा दो, ये भी बहुत बड़ा यज्ञ है। अपने जीवन में आपने खुद तो लाभ उठाया, लेकिन जीवन में अगर एक या दो व्यक्ति को भी प्रभावित करके इस लाइन पर डाल दिया तो इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं होगा, इससे बड़ा आपका कोई परिवार परोकार का काम नहीं होगा। आप किसी भी रूप में अपनाएं, अपने दोस्ती का सहारा लें, रिश्तेदार का सहारा लें, कई बार कोई प्रलोभन का ही सहारा भी दिया जा सकता है, आओ भाई बैठो देखो ये। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इस विचारधारा को सुरक्षित रखने में आप सबकी जो भूमिका है ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ प्रभु करे आपको शक्ति और सामर्थ्य दे कि अपने ऋषियों के परिश्रम को आप सब जीवन में सार्थक कर सकें। ओम शम ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। जीवन को न मोड़ दो। नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। बैठे रहे एक जगह, एक मिनट आपका चित्र ले लेता हूँ क्योंकि आज आप अच्छी हाजिरी में हैं, नजर आ रहा है बाहर भी लोगों को।